जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़्लो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कोटा सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब के स्टूडेंट्स वगैरह। ये देखिए इधर भी आपको शो नहीं हो रहा कि कोटा वगैरह की क्या लिस्टें हैं। आपने एडमिशन में जाके मेरिट लिस्ट ओपन कर दी है। अच्छा, कोटा के अंदर मतलब कि डिसेबल कोटा भी आ जाता है और भी बहुत सारे कोटे हैं तो वो आ जाती हैं। तो हम देखते हैं यार आईओबी ने कौन कौन सी मेरिट लिस्ट लगाई है बीएस में। अच्छा जी, ये बाहरिया कोटा लिस्ट, तो यार ये आप देखें डिसेबल कोटा लगी हुई है, फाटा की लगी हुई है, आईओबी एम्प्लॉय, आईओबी टीचर्स कोटा, मिनोरिटीज कोटा जिसके अंदर मतलब के क्रिश्चियन आ जाते हैं, नॉन मुस्लिम आ जाते हैं, और सेल्फ की भी लगी हुई है, सेल्फ फाइनेंस, स्पोर्ट्स कोटा। तो यार ये तीन चार जो कोटे हैं ना मेन मेन वो लगे हैं, फाटा वाले वो होते हैं जो वजीरिस्तान वाले होते हैं, ये डिसेबल कोटा की है। तो हम देखते हैं कि डिसेबल कोटा में कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में दो सीटें मुख्तस होती हैं डिसेबल्स वालों के लिए। ये पहली मेरिट लिस्ट उनकी लगी है, बाकी अब देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर और क्या हिसाब है, और इनका मेरिट सबसे हट के होता है, मतलब के ना क्योंकि हर डिपार्टमेंट, क्योंकि इनका जो चलान होता है ना वो 10 रुपए का होता है सिर्फ, ये कोटा वालों का, ये जो डिसेबल वाले होते हैं और बाकी सारे मिनोरिटीज का भी आई थिंक 10 रुपए का ही होता है। सेल्फ फाइनेंस का आपको पता है ये सबसे महंगे लोग हैं। स्पोर्ट्स कोटा की सीटें होती हैं, ये बाकी स्टूडेंट वाली तरह पे करते हैं। ये एम्प्लॉय जो टीचर्स होती है इनको थोड़ा बहुत आई थिंक रिलीफ मिलता है, कन्फर्म नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, अब शायद ना मिले वो अलग बात है। तो बाकी इनका एडमिशन भी इजीली हो जाता है, मतलब इनका एक सेपरेट कोटा होता है। तो ये देखिए इनकी लिस्ट लगी हुई है। तो बस यार ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी जिसके अंदर आपको बताना था कि कोटा सिस्टम की भी लिस्टें लग गई हैं और बाकी लिस्ट वगैरह कैसे चेक करनी है। ये देखिए डिसेबल कोटा, फाटा कोटा, मिनोरिटीज का भी लगा हुआ है। मिनोरिटीज में देखिए यार कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे थे यार, बहुत ज्यादा एक्स हो गए हैं। और ये देखेंगे ऑलमोस्ट जो मेजर डिपार्टमेंट है जिन जिन में लोगों ने अप्लाई किया था वो सभी की लिस्टें लगी हैं। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, इसको हम खोलते हैं और इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो देखते हैं मिनोरिटीज कोटा की। एक मिनट, अच्छा यार जब तक ये लिस्ट ओपन होती है ना तब तक कुछ बातें कर लेते हैं कि अभी भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ कुछ सम डिपार्टमेंट्स, मुझे अभी ये आइडिया नहीं कि कौन कौन से हैं जिनके अंदर इवनिंग में अप्लाई हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अब्बासिया कैंपस जाके अप्लाई करवा सकते हैं, और इसकी 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, मतलब के आज 24 है, मतलब के मंगल तक का दिन। तो ये एक ही बंदा है गुड्डू कुमार, मतलब कि इनका नाम आया हुआ है, मतलब के क्योंकि मिनोरिटीज में बहुत सारे मतलब के कम बच्चे होते हैं इसीलिए इनके काफी कम नाम आते हैं। तो बाकी यार एक छोटा सा ये शॉर्ट वीडियो बनानी थी जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक ना अपडेट देनी थी, और कुछ भी नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं। आप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, टॉपिक्स 2-3 मेरे माइंड में हैं तो उनकी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। एहसास स्कॉलरशिप भी आई हुई है मॉर्निंग वालों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा।